अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और वेलकम करता हूं आपको टीम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में। बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, सऊदी अरब के लिए टिकट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा लोग सऊदी अरब पहुंचना भी स्टार्ट हो गए हैं। वो किस तरीके को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब पहुँच रहे हैं वो मैं आपको इसी न्यूज़ में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस न्यूज़ चैनल पर पहली दफ़ा है तो न्यूज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसको इस्तेमाल करते हुए लोग सऊदी अरब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, मैं आपको मुकम्मल इसी न्यूज़ में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और सऊदी अरब जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स अभी तक बंद हैं और अभी 17 जून का कहा जा रहा है कि 17 जून को फ़्लाइट्स बहाल हो जाएंगी, अभी तक कंफर्म ऑफिशियली तौर पर यह ऐलान नहीं किया गया। लेकिन अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टिकट बुकिंग यहाँ पर है तकरीबन जो उसकी डेट भी यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही होगी और इसकी जो 12 जून की है, ठीक है, 12 जून को बंदा पाकिस्तान से सऊदी अरब गया, वो कैसे गया मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों का खर्चा होगा ये कन्फर्म है, लेकिन आप सऊदी अरब आसानी से पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँचेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ से कीनिया जाना है और कीनिया से आप डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकते हैं। कीनिया से तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है सऊदी अरब के लिए, तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं, कीनिया से जा रहे हैं, कीनिया से सऊदी अरब जा रहे हैं, तो आप इसका ख़र्चा चेक कर सकते हैं। तकरीबन कमोबेश 6-7 लाख रुपए इसका खर्चा है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस रास्ते को इख्तियार करके सऊदी अरब जा सकते हैं। जैसे कोई लेटेस्ट अगर अपडेट आई आप उनसे शेयर कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।